हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, एक्चुअली जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप दुबई में काम कर रहे हो दोस्तों, तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, या फिर आप दुबई आने वाले हो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। नहीं तो दोस्तों, मैं अपने आँखों से देखा हूँ यहाँ पे जो वर्कर भाई उन लोगों को रोते हुए ये गलती के वजह से, ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं, ये गलती कर देते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि जो भी बताऊंगा दोस्तों अपने 12 साल का एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ऑलरेडी खुद दुबई में मैं 12 साल से जॉब कर रहा हूं, तो जो मैं देख रहा हूं वही आप लोग के साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करता हूं, बताता हूं कि अपडेट क्या है। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ आने के बाद क्या करती है कंपनी, अपने पास पासपोर्ट रख लेती है। रखने का राइट नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जिसका पासपोर्ट है वो अपने पास रखे। बट कंपनियाँ मजबूर होती है, क्यों मजबूर होती है, क्योंकि उनको हमारे ऊपर मतलब 1 से 1.5 लाख लगभग इंडियन मनी लगा होता है। तो लोग सोचता है कि मान लिया आप साइड पर किसी से झगड़ा कर लिए, रूम में किसी से कर लिए, तो आप सीधा पासपोर्ट उठाओगे और टिकट लोगे और चल दोगे घर पे, कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, पकड़ भी नहीं सकती, और इंडिया चले जाओगे तो फिर कंपनी क्या करेगी। हाँ, आप पैसे देते हो तो वो एजेंट को देते हो, हाँ बहुत जो चिंदी चोर कंपनी होती है छोटी मोटी वो आपसे पैसे लेती है, वो अलग बात है। बट ऑलमोस्ट ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं दोस्तों, वो वर्कर से पैसा नहीं लेती है, वो जो पैसा लेता है वो HR और जो एजेंट है वो दोनों मिलकर, जो वीजा का काम देखता है कंपनी में वो और एजेंट दोनों मिलकर ये लोग खा जाते हैं। बट कंपनी तक ऐसा पैसा नहीं पहुँचता, पता भी नहीं चलता। तो कंपनी को दोस्तों लगभग मैं जैसे बताया कि 1.5 लाख रुपये खर्च हो जाता है, इसके लिए दोस्तों कंपनी पासपोर्ट अपने पास रखती है, और कोई कारण नहीं, मजबूर होती है कंपनी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हुआ क्या दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे जब आते हैं ज्वाइन करते हैं तो सीधा हम लोग जाते हैं और कंपनी में पासपोर्ट जमा कर देते हैं, फिर 1 साल 2 साल 3 साल काम करते हैं, फिर हम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया या फिर कंपनी चेंज करना हो गया, तो कंपनी अगर बदलना भी है तो हम लोग को जो दूसरी कंपनी है वो लोग क्या करता है, बोलता है अपना पासपोर्ट का जीरोक्स दे दो या वीजा का फोटोकॉपी दे दो। तो हम लोगों के पास तो रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग रखते नहीं, क्योंकि ये कम जानकारी की वजह से नहीं रखते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको पता है और वो लोग को आदत पड़ चुका है, क्योंकि एक पासपोर्ट का जीरोक्स भी अगर ऑफिस में पूछने जाओ ना तो वो लोग नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आजकल ऐसा करके, और फिर आपको परेशान करते हैं, कि उनको ये लगता है कि ऐसा ना कि ये दूसरे कंपनी में अपना पासपोर्ट का जीरोक्स दे देगा, वहाँ पे जॉब चेंज कर सकता है, इसलिए वो लोग नहीं देते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मतलब जो है दोस्तों, उसमें ये है कि मैं अपने आँखों से देखा है बहुत सारे वर्कर को यहाँ पे, और मैं जब बात करता हूँ तो बोलता हूँ उन लोग बोलता है कि मेरे पास पासपोर्ट का जो है ना जीरोक्स नहीं है, या फिर स्कैनिंग करके नहीं है, तो मैं क्या दूसरे कंपनी में कैसे दूं, या मैं अपने कंपनी से मांग रहा हूं तो नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आप बिल्कुल ये गलती ना करना। अगर आप UAE में आ रहे हो या ऑलरेडी हो, जब आपको छुट्टी जाते हो तो उस टाइम आपके पास पासपोर्ट मिलता है, या फिर आप फर्स्ट टाइम आते हो, तो आप अपने एक PDF फॉर्म जाकर बनवा लो, कोई भी टाइपिंग सेंटर में यहाँ जाकर बनवा लो PDF फॉर्म, उस पर स्कैन करके अपने पासपोर्ट अपने मोबाइल में रखो, ठीक है, फोटोकॉपी, जब चाहे जब ज़रूरत पड़े आप दे सकते हो, कोई भी काम करा सकते हो। ऑलमोस्ट पासपोर्ट अगर गुम भी हो जाए, भुला भी जाता है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाता है, जल जाता है, तो उसका जीरोक्स भी आपको लाजिम चाहिए दूसरी पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट खबर था, इसका ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जो मैं यहाँ देखता हूँ वही आप लोग से बात करने का कोशिश करता हूँ। तो दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, वो है कि मान लिया आपका पासपोर्ट यहाँ पे गुम हो जाए या जल जाए या भुला जाए, मान लिया आपके पासपोर्ट आपके पास है, तो आप इंडिया जा सकते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई का ये कन्फ्यूज़न रहता है, और बहुत सारे का ये भी रहता है कि मेरा कपिल में मेरा पासपोर्ट अब मेरे पास अपने पास रखा है और मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो जो रियल जानकारी वो देने वाला हूँ दोस्तों, कि देखिए, पासपोर्ट अगर आपका गुम हो जाए, भुला जाए, जल जाए, तो वो तो अलग बात है कि आप पुलिस कंप्लेंट कर दोगे कि मेरा पासपोर्ट ये, उसके बाद वो लोग क्या करेगा, एक पास बना के देगा 24 आवर्स के अंदर, आप जो सादा पासपोर्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों, आप सिर्फ इंडिया जा सकते हो, वापस रिटर्न यहाँ पे नहीं आ सकते हो। एम्बेसी में जाओ, फिर वो जो पेपर है दोस्तों पुलिस का, वो एम्बेसी में लेके जाओ अपना, जो भी जहाँ भी एम्बेसी आपका, इंडियन एम्बेसी में चले जाओ, वहाँ पर जाने के बाद अपना प्रॉब्लम बताओ कि इस तरह का मेरे साथ घटना हो गया है, वो लोग देखेगा आपको, मतलब वो अपने सिस्टम में बताएगा, पता करेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, फिर आप उन लोग क्या करेगा, पासपोर्ट सादा पासपोर्ट बनाकर दे देगा। हाँ, अगर आपका कपिल आपको पासपोर्ट नहीं दे रही है दोस्तों, तो उसका तरीका है, वो तरीका आप अपनाओ, मेरे चैनल पर वीडियो है, अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा कि हाँ, अगर कोई कंपनी या आपका बॉस या कोई भी पासपोर्ट अगर ना दे
तो अच्छे तरीके से कैसे निकलवा सकते हैं। अगर सीधा उंगली से घी नहीं निकलता दोस्तों, तो टेढ़ा कैसे करना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मेरे बताए हुए लोगों को, बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट इस तरह का मिला है, क्योंकि कंपनी का जो कमज़ोर नस है ना दोस्तों, वो बहुत कम लोग को पता होता है। इसलिए मैं इस सब का दर दर का ठोकर खाया हूँ यहाँ पर, तो देखा हूँ, तो मैं आप लोग से बात करता हूँ, अपने वर्कर भाई को एजुकेट करता हूँ। तो ये अपडेट था दोस्तों, और कोई भी कन्फ्यूजन रह गया, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।